हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेजर्स में हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम लेजर का फुल फॉर्म कहते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, राइट। सो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1917, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन दैट इज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये तो केवल कॉन्सेप्ट उस टाइम आया, उस टाइम लेजर डिस्कवरी नहीं हुई, लेजर डिस्कवरी कब हुई एक्चुअल में तो 60s में लेजर की डिस्कवरी हुई जो रियल लाइफ में यूज करने लगे, दैट इज टी मैमन साइंटिस्ट का नाम था, 1960 में दैट प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट लेजर यूजिंग रूबी क्रिस्टल, क्रिस्टल का नाम है रूबी, राइट। तो जिसको हमारे सिलेबस में है हमें डिस्कस करना है रूबी लेजर, राइट। 1917 में स्टिमुलेटेड एमिशन की डिस्कवरी हुई, राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये साइंटिस्ट थे जो सी टाउन्स एंड देयर कोवर्कर्स डिस्कवर किए दैट इज द माइक्रोवेव ऑसिलेशंस को हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। ये भी जस्ट इसके अपोजिटिव टर्म है लेजर के अपोजिट मेजर, राइट। देखो बाकी लास्ट वाले थ्री वर्ड इवन फोर वर्ड तो सेम ही है उसका फुल फॉर्म, जस्ट यहाँ पर एम सिग्निफाई करता है माइक्रोवेव, राइट। तो आपसे पूछा जाता है लेजर के अलावा मेजर के बारे में, तो दैट इज एम्प्लीफिकेशन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एंड दैट इज डिस्कवर्ड इन 1954 बाय सी टाउन्स देयर कोवर्कर्स, राइट। तो उसके बाद 1958 में जो सी टाउन्स थे उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया लेजिंग एक्शन का कि किस तरह से वो बेसिकली वर्क कर सकता है, ऑप्टिकल मिरर रेजोनेंट कैविटी में किस तरह से लाइट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं उसके बारे में, लाइट एम्पलीफिकेशन के बारे में सी टाउन्स ने 1958 में बताया। फिर ये इसको हम जो रिक्वायरमेंट होते हैं लेजर प्रोडक्शन के लिए उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल मिरर कैविटी ये सब क्या होता है, जिसको हमने कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फोटॉन ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इमेज हो रहा है तो एडिटिव वो बाहर हमें लाइट के फॉर्म में मिल जा रहा है, जब तक उसकी एक थ्रेशोल्ड कंडीशन हो गई मिरर की कंडीशन जो अप्लाई है वो उस कैविटी के इनसाइड में ही बैक एंड फोर्थ को मोशन करता रहेगा, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्रॉस होने के बाद वो उससे इमेज हो सकता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जब तक उसकी इंटेंसिटी एक प्रॉपर वे में ना हो, राइट। सो टी मैमन ने रूबी क्रिस्टल फर्स्ट लेजर डिस्कवर किए, देखिए ये भी हमारे पास सिलेबस में है इलियोनियन लेजर एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय A.G.1। ये देखिए एट ऑल का मीनिंग यहाँ पर है कि इनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये रिसर्च पेपर्स में ये लिखने का तरीका है, इवन बुक्स में भी लिख लेते हैं, हम सारे लोगों का नाम नहीं लिखते हैं को वर्कर्स, इधर आप कह सकते हैं जैसे सी टाउन सर के साथ जो को वर्कर्स है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी टाउन एंड को वर्कर्स, या फिर फर्स्ट नेम वहां पर आप बोल सकते हैं जो कि लेजर जो वर्क का कंक्लूजन है उसका फर्स्ट जो ऑथर है उस वर्क का जो ऑथेंटिकेट करता है उसका नाम हम लिख सकते हैं और एट ऑल लगा देते हैं, राइट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। सो हीलियम नियॉन लेजर जो डिस्कवर हुआ दैट वाज डिस्कवर्ड बाय A.G.1 एट ऑल दैट इज इन 1961, right? In the same year, another laser that is NDR, जिसको कहते हैं neodymium laser कहते हैं in brief, and that was developed by Alex Johnson et al. Right? Alex Johnson सर ने helium neodymium NDR laser के discovery किए और जो helium ion laser है वो A.G.1 et al. में discovered. Right? तो ऐसे तो हमें हमारे syllabus में जो next जो second section A है सेक्शन ए में तो जस्ट क्रिटिकल पोर्शन, सेक्शन बी में हमारे पास सारा कुछ लेजर के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर को डिस्कस करना है जिसमें 6 लेजर हैं, राइट। सबसे पहले रूबी लेजर है, फिर हीलियम नियॉन लेजर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर है, डाई लेजर है, ये सारे लेजर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। 2 लेवल लेजर एंड 3 लेवल लेजर डिस्कस करना है, राइट। 2 लेवल लेजर्स नहीं मतलब 2 एनर्जी लेवल्स के बारे में और 3 एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। सो सेमीकंडक्टर देयर इज आल्सो अ सेमीकंडक्टर लेजर इन दैट इज डेवलप्ड इन 1962 बाय ऑरहॉल
एंड कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं नेम से हमें लग रहा है कि ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर दैट इज डेवलपिंग ऑन 1963 एंड आर्गन आयन लेजर दैट इज 1964। तो ये सारे डेट्स और साइंटिस्ट का नेम यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, इसको जस्ट आप लोग को नॉलेज के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद और भी कई सारे हैं, देखिए मतलब इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल तक अभी तक कितने लेजर डिस्कवर हो गए, लास्ट 1985 तक है। तो डब्ल्यू ब्रिज ब्रिजेस ने डिस्कवर किए थे कौन से, आर्गन आयन लेजर मतलब गैसियस लेजर है दैट इज इन 1964 डब्ल्यू ब्रिजेस, एंड हीलियम कैडमियम लेजर दैट इज इन 1966 डब्ल्यू स्टिल फर्स्ट एट ऑल, इवन टिनेबल डाइलेजर इन 1966 सेम इयर्स में ये डाइलेजर के डिस्कवरी हुई पीपी सोरोकिन साइंटिस्ट थे, एंड जाइमर लेजर इन 1975 जे जे इविंग एट ऑल, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर दैट इज डेवलप इन 1976 साइंटिस्ट जे एम जे मैडे एट ऑल, एलेक्सेंड्राइट लेजर इन 1979 विलिंग ऑटल साइंटिस्ट का नाम है, एंड प्लस वन इज एक्सरे लेजर इन 1985 दैट इज डेवलप बाई टी मैथ्यूज एट ऑल। तो ये सारे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए कि 1970 से जो कॉन्सेप्ट एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट की बात किए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो स्टिमुलेटेड इमिशन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया उसको यूज करके कई सारे साइंटिस्ट ईयर वाइज डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड स्टेट लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, गैसियस लेजर का डिस्कवरी किए डिफरेंट ईयर्स, राइट। तो उसमें हमारे इंडियन साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। सो अगर हम बात करें साइजेस का और पावर का, तो यहाँ पर मेंशन है कि वी हैव लेजर इन साइजेस वैरिंग फ्रॉम 1/10 ऑफ डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर टू द साइजेस ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, देयर पावर्स वैरीज फ्रॉम 10^-9 टू 10^20 वाट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेजर का 10^20 वाट का लेजर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वेवलेंथ वैरीज फ्रॉम माइक्रोवेव्स टू एक्सरेज, माइक्रोवेव से वेव एक्सरेज का हम स्पेक्ट्रम रीजन में उसकी वेवलेंथ वैरी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। फ्रीक्वेंसीज वैरीज फ्रॉम 10^11 हर्ट्ज टू 10^17 हर्ट्ज, राइट। So lasers of pulse energy as high as 10^4 joule. So इसमें laser कई सारे होते हैं जो कि pulse laser भी provide करते हैं, right? So वो जो energy produce होगा that is 10^4 joule. And pulse duration as short as 6×10^-15 second. ये हम लोगों को counting के बाहर होगा, वो machine इसको detect कर सकता है उस pulse duration को, short duration 10^-15 second. है ना, एक सेकंड में ही हमें अगर 16 टाइम्स मोर देन 16 टाइम कोई चीज ब्लिंक करने लगे तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, जैसे 15 टाइम्स ट्यूबलाइट या फिर कोई बल्ब उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो ब्लिंक करता है, बट वो हमें कंटिन्यूअस एनर्जी दिखता है, एक लाइट हमें प्रोवाइड करता है। तो ये लेजर लाइट सोर्स का जो पल्स ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, दैट इज दिस, राइट। So, ये सारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स यूज इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक यू कैन से दैट मटेरियल प्रोसेसिंग जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिसिन एंड सर्जरी, इवन फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, राइट। इवन दिस लेजर लाइट इज यूज टू वेल्ड डिटेच रेटिना विद इन द ह्यूमन आई। आजकल के डेट में लेजर लाइट से आईज का ऑपरेशन किया जाता है ना, रेटिना को डिटेच किया सकता है, उसके अटैच किया सकता है, ऑपरेशन में यूज किया जाता है। तो इतना मतलब इसका इम्पोर्टेंस हो गया कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज द नाइफ इन मैनी कॉम्प्लेक्स, हम इसको कह सकते हैं इट कैन सर्व एज नाइफ इन मैनी कॉम्प्लेक्स सर्जिकल ऑपरेशन, है ना।
प्रोसीजर से कहते हैं जस्टिस को, मतलब एक तरह से कटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर नाइफ कहा जा रहा है, जीवन उसको डिटैच कह सकते हैं। सो लेजर आर ऑल्सो यूज टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो सीडी प्लेयर्स होते हैं उसमें लेजर लाइट, उसके जो इंफॉर्मेशन उसमें जो राइट करता है, जो एक तरह का इंफॉर्मेशन है डिजिटल फॉर्म में, तो उसको जो रीड करने के लिए लेजर लाइट ही यूज करता है। इवन लेजर लाइट को होल्स इन मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल्स में ड्रिल्स करने के लिए उसमें लेजर लाइट का यूज किया जाता है। तो इसको तो हम लोग इवन एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल की कहाँ पर हम इस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशंस पे हम फोकस करेंगे किसी पार्टिकुलर लेक्चर में, जब ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लेजर सारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने बेसिक फेनोमेना और बेसिक प्रोसेस पढ़ रखे हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, सो दैट कि वो अगर आपके स्ट्रांग रहेगा तो आपको बाकी चीजें समझ में आनी है, अदरवाइज नहीं। है तो हम वो इजी है ना, इतना भी टफ नहीं है, जस्ट उसको एक बार गो थ्रू जरूर करिए डेली बेसिस पे जब तक आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट में आई कंप्लीट करता हूँ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम। इसमें मैं एग्जैक्टली इसमें गो थ्रू नहीं होने जा रहा, बट क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवन हम लोग डेफिनेशन में ही कह देते हैं इसके लेजर के डेफिनेशन में, बट यहाँ पर इंडिविजुअली इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से लेजर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, तो उसमें जो फर्स्ट रीजन है दैट इज द हाई डायरेक्शन, या ये कह सकते हैं कि लेस डाइवर्जेंस, मतलब वो उसकी जो डाइवर्जेंस है अलग डायरेक्शंस में वो बहुत ही कम है। ये जो एंगुलर डाइवर्जेंस है ये बहुत ही कम है, या फिर कह सकते हैं कि हाई डायरेक्शनल है। ऐसा नहीं कि ये लेजर लाइट अगर यहाँ पर सोर्स है तो हम इधर साइड भी लेजर लाइट गिन सकते हैं, इधर भी गिन सकते हैं, दैट इज दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द सिंपल लाइट सोर्स, राइट। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द हाई इंटेंसिटी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी, क्योंकि एस्टिमेट इमिशंस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बंच ऑफ फोटॉन्स इमिट होते हैं, और बंच ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे उस कैविटी के अंदर ऑसिलेट होंगे, है ना, रेजोनेंट कैविटी जिसको हम कहते हैं, उस कैविटी के इनसाइड में ऑसिलेट होंगे, जब तक उसकी थ्रेशोल्ड कंडीशन नहीं कंप्लीट होगी तब तक वो उस पार्टिकुलर सब्सटेंस से इमिट नहीं होंगे, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, यानी कि फोटॉन्स जब इमिट हो रहे हैं तो उसमें फोटॉन्स बहुत ज्यादा है, राइट, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी, और यू कैन से लेजर वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी। यहाँ पर ब्रैकेट में ये चीज क्लियर कर दी जा रही है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि कोई भी लाइट 100% मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसकी तो जो स्प्रेडिंग होती है वो उसका एग्जिस्ट करता है। इसको हम मैथमेटिकली ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब डिस्कस करेंगे उसमें ये चीजें समझ में आ जानी है कि अगर हमने कह दिया कि कोई पार्टिकुलर लाइट मोनोक्रोमेटिक है बिल्कुल एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर स्टेट से जिस स्टेट से लाइट ट्रांस जंप लाइट इमिट हो रही है उस स्टेट में जो एटॉमिक सिस्टम का लाइफ टाइम है वो इनफाइनाइट है ना, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई भी एटॉमिक सिस्टम किसी पार्टिकुलर स्टेट्स एनर्जी लेवल्स में इनफाइनाइट टाइम के लिए स्टेज नहीं कर सकता हाई एनर्जी स्टेट्स में, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, जो कोहेरेंस टर्म है ये कोहेरेंस आप लोगों ने इवन प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं, राइट। हाँ, दो तरह के हमने पढ़ रखे हैं स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, ये वही चीज यहाँ पर कोहेरेंस की बात हो रही है, किस तरह से वो फेजेस में रहता है अगर कोई लाइट इमिट हो रही है तो पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो सेम फेजेस में होंगे, सारे के सारे फोटॉन्स को इमिट होंगे तो सेम फेजेस में होंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये मटेरियल है वो गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल रहेगा, इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं डिटेल में, राइट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो।